नमस्कार दोस्तों, एक बार दोबारा आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अभी तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही 3 मैचों की पेटीएम T20 सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में कल खेला गया। ये मैच अपने आप में कई मायनों में खास रहा। इस मैच में रोमांच था, ड्रामा था और साथ ही साथ एग्रेशन था कोहली का। जी हाँ, भारतीय फैंस ने जिसने भी इस मैच को मिस किया हो उसके लिए लेकर आए हम ये वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। चलिए जल्दी से बात करते हैं इस पूरे मैच के घटनाक्रम में। जहाँ टॉस कोहली ने जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो वहीं कैरेबियन खिलाड़ियों ने उनका ये फैसला कुछ हद तक गलत भी साबित किया। जी हाँ, उनकी अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में कैरेबियन टीम ने 207 रन बनाकर इंडियन टीम को 208 रन का बड़ा लक्ष्य दे दिया, जिसमें सिमरन हेटमायर और उनके नए नवेले कप्तान पोलार्ड का काफी अच्छा योगदान रहा। कोहली ने अपना सर्वश्रेष्ठ 94 रन इस मैच में बनाए, तो केएल राहुल ने मात्र 40 गेंदों में 68 रन की बड़ी ही ताबड़तोड़ और शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा के फैंस को इस मैच में कई मायनों में निराश होना पड़ा। जी हाँ, ये मैच रोहित शर्मा के लिए किसी बुरे सपने की तरह ही था। जहाँ फील्डिंग में उनकी फील्डिंग औसत से भी नीचे रही, तो वहीं बैटिंग में भी वो कुछ जलवा नहीं दिखा पाए। हरवन मौला खिलाड़ी रोहित शर्मा, वैसे तो उन्होंने दो बार ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा कराया, लेकिन वहीं दीपक चहर के 17वें ओवर में शुरुआत की 3 गेंदों पर, पहली गेंद पे जहां वॉशिंगटन सुंदर ने लॉन्ग ऑन पर कैच छोड़ा, तो शानदार फील्डिंग करते हुए रोहित शर्मा ने वहां पर चौका बचाया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर लॉलीपॉप से कैच छोड़कर रोहित शर्मा ने अपने फैंस को निराश किया और वो भी काफ़ी निराश हुए। तो फील्डिंग के बाद जब बात आई बैटिंग की, तो इतने बड़े लक्ष्य का पीछा इंडिया टीम को करना था, ऐसे में रोहित शर्मा से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे फैंस, लेकिन हमारी उम्मीदें सही नहीं हुई और रोहित शर्मा 8 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि रोहित शर्मा कमबैक करें, तो कमेंट करें कमबैक रोहित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।